करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ली है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, इसको थोड़ी क्रश करके डालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसमें 3 चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आटा अभी सूखा सूखा लग रहा है, इसमें थोड़ा और मोइन डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें इतना मोइन डालना है जिससे हाथ में दबाने से इस तरह से बंध जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब इस तरह से हम इसकी लोइयां बना लेंगे। अब एक लोई लेकर इसको हम बेलेंगे। इसे हमें पूड़ी से पतला बेलना है। अब एक चाकू से इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंबाई में कट लगाएंगे। फिर इस तरह से चिपकाकर थोड़ा इसे दबाकर पतला कर देंगे जिससे सेकने के बाद कच्चे न रह जाएं। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इन्हें ऊपर नीचे पलटते हुए हल्का कलर चेंज होने तक सेकेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इन्हें हम निकाल लेंगे। इन्हें आप मीठी चटनी और दही के साथ चाट जैसे भी खा सकते हैं।